हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मंगेश। आज मैं आपके सामने एक बैटरी पैक को कैसे रिपेयर करते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पैक है। इसको आप कैसे अपने घर पे किफ़ायती तरीके से रिपेयर कर सकते हैं उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस बैटरी कन्फिगरेशन जो आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं, उसे कन्फिगरेशन कुछ ऐसी है। 16 सीरीज़ एंड 2P, यानी कि 16 सेल सीरीज़ में है और 2 सेल पैरेलल में है, और 1 सेल की कैपेसिटी 6000 mAh है। यानी कि ये पूरी बैटरी 48 वोल्ट 12 एम्प पावर की है। इसको रिपेयर करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, तो आज हम जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो आपको घर पे भी आप रह के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। तो सबसे पहले इस बैटरी की प्रॉब्लम क्या है वो समझ लेते हैं। कस्टमर कुछ ऐसे इस बैटरी प्रॉब्लम को डिफाइन करता है कि इसमें पहले उनको मिलती थी 25 किलोमीटर की रेंज, वो भी घट के 12 किलोमीटर हो गई है, 12 से 13 किलोमीटर, यानी कि टोटल हाफ। पहले इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 6 एम्प के चार्जर से 2 घंटे लगते थे, 1 घंटा 50 मिनट करें, यानी कि 2 घंटे लगते थे, और अभी उसको चार्ज करने में करीब 1 घंटे लगते हैं, यानी कि जो चार्जिंग टाइम रिड्यूस हो गया है। तो इससे हमको एक एनालिसिस ये मिल रहा है कि इस बैटरी की जो कैपेसिटी है वो आधी हो चुकी है। लेकिन ये बैटरी करीब 2 साल पुराना है कस्टमर के अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से इतनी जल्दी इसकी कैपेसिटी जानी नहीं चाहिए थी। तो इससे हमको एक अंदाज़ा ये भी मिल सकता है कि सेल इम्बैलेंस है। बैटरी पैक को रिपेयर करने के लिए जो भी प्रोसेस मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ वो आप अपने घर पर भी दोहरा सकते हैं, बशर्ते इस बैटरी की सिर्फ जो सेल जो है वो इम्बैलेंस हुआ हो। अगर सेल खराब हो गया हो, या फिर सेल कोई खराब क्वालिटी का लगा हो, या फिर सेल लीक कर रहा हो, तो आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते घर पे, अनलेस एंड अनटिल आपके पास स्पॉट वेल्डिंग मशीन है। ठीक है, तो इस बैटरी को रिपेयर करने के लिए मैं दो प्रोसेस का इस्तेमाल करूंगा जो आप घर पे भी दोहरा सकते हैं। पहला प्रोसेस, ये वीडियो शायद हो सके तो 2 पार्ट में आए, तो पहला पार्ट में, यानी कि पहले पार्ट में हम इसको इससे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ये एक TDT कंपनी का एक बोर्ड है, इसमें मॉस्फेट लगे हुए हैं, 16 मॉस्फेट लगे हुए हैं। ये मॉस्फेट बेस्ड बैलेंस करती है, ये हार्डवेयर बेस्ड बैलेंसर है, हार्डवेयर की प्योर हार्डवेयर बेस्ड बैलेंसर है, यानी कि इसको आप सॉफ्टवेयर से मॉनिटर नहीं कर सकते। इसको आपको इसके LEDs के थ्रू आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कब क्या बैलेंस करें। मैं आपको क्लोजअप एक लुक दिखा रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसे है। सो इसकी मैं कुछ आपको बेसिक्स आपको बता देता हूँ, वीडियो में आगे चलते हुए मैं और इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि ये बैलेंस तभी स्टार्ट करती है जब जो सेल वोल्टेज में डिफरेंस रहता है वो 100 मिली वोल्ट का डिफरेंस रहता है। यानी कि 100 मिली वोल्ट से अगर कम डिफरेंस है तो ये बैलेंस स्टार्ट नहीं करेगी। अब ये बैलेंस तभी स्टार्ट करेगी जब आपका जो सेल का जो डिफरेंस है वो 100 मिली वोल्ट से स्टार्ट होता है, और उसकी जो ये कितना तक ये बैलेंस कर सकता है, 70 मिली वोल्ट तक बैलेंस कर सकता है। यानी 70 मिली वोल्ट के नीचे जब भी जाइए सेल डिफरेंस, जब 70 मिली वोल्ट के नीचे जाइए तो ये बैलेंस करना बंद कर देगा, और जैसे सेल डिफरेंस 70 मिली वोल्ट के ऊपर जाएगी आएगी तो ये बैलेंस करना इस्तेमाल कर देगा। तो ये प्योर हार्डवेयर बेस्ड है, मैं इसको इससे पहले आपको बैलेंस करके दिखाऊंगा। और दूसरा रहता है ये हमारे पास डैली का है। डैली पहले क्या करती थी, सिर्फ पैसिव BMS बनाती थी, जो कि हमको सबको पता है बहुत दिक्कत होती थी उसमें। इसमें भी एक डैली का BMS लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, कस्टमर बोल रहा है इसमें भी एक डैली का BMS लगा हुआ है। तो डैली अब की जो डिवीजन है अभी उसने एक्सपांड की है, और ये एक निकाला है, ये बैलेंसर निकाला है, बैलेंसर मॉडल। ये 1 एम्प का बैलेंसर है, अच्छा ये 2 एम्प पे बैलेंस करता है ये वाला, जो प्योर हार्डवेयर बेस्ड है। और ये डैली का जो है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड बैलेंसर है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर बेस्ड बैलेंसर। यानी कि इसको चलाने के लिए आपको इसको ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट करना पड़ेगा अपने मोबाइल से, उसमें वेरियस पैरामीटर्स को सेट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डैली ने ये बहुत अच्छा चीज़ किया इसको निकाल के, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है जो डैली के, वो इसको आसानी से इस्तेमाल करके इससे अपने जो एग्जिस्टिंग बैटरी पैक है उसको और एक स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। ये नॉन स्मार्ट, जैसे कि ये बैटरी एक नॉन स्मार्ट BMS लगी हुई है, तो उसको भी आप स्मार्ट कैसे बना सकते हैं उसमें चर्चा करेंगे, उसमें बात करेंगे। वीडियो का पहले पार्ट में मैं आपको ये दिखा दूंगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो कैसे क्या करेंगे, हम मैं आपको रोड मैप दे देता हूँ इसको ठीक करने के लिए। सबसे पहले कस्टमर के अकॉर्डिंग इसकी जो कैपेसिटी है वो हाफ हो गई है, उसको हम वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअल में हाफ हुई है कि नहीं। कई बार क्या होता है, कस्टमर के एरर की वजह से वो या तो उनके चार्जर में इशू होता है या फिर वो कनेक्शन में इशू होता है, जिसके कारण से ये फुल चार्ज नहीं हो पाती है और बैटरी ठीक ही रहती है, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। तो पहले हम इसको मशीन में डाल के देखेंगे कि एक्चुअल में जो कस्टमर बोल रहा है जो प्रॉब्लम वो सही है कि नहीं, वो मेल खा रही है कि नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और ये पूरा प्रोसेस मैं बताया था, अगर सेल खराब है, यानी सेल की अगर सेल लीक कर रहा है या सेल खराब है, तो हम इसको नहीं कर पाएंगे, ओनली इम्बैलेंस की वजह से हम कर पाएंगे। इसको रिपेयर करने का यही तरीका है कि जो सेल खराब है उसको रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन इस प्रोसेस में मैं बता रहा हूँ जिसमें आपको ये इस बैलेंसर जो डाली का है और ये TDT का जो बैलेंसर हार्डवेयर बेस्ड, इससे आप कैसे घर पे कर सकते हैं। अभी मैं जो भी प्रोसेस फॉलो करूंगा उसमें आप कैसे इम्बैलेंस सेल को बैलेंस कर सकते हैं अपने घर पे, उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। चलिए सबसे पहले इस बैटरी को बिना खोले पहले हम इसको चार्ज डिस्चार्ज मशीन लगाते हैं, और
देखते हैं इसकी एक्चुअल कैपेसिटी। सो यहाँ पे हमने बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स को अपनी सीटीसी मशीन में कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पे आप वोल्टेज देख सकते हैं 49.77 वोल्ट इसकी शो कर रही है बैटरी की एक्चुअल वोल्टेज, और 58.4 वोल्टेज मैंने मैक्सिमम वोल्ट पे सेट कर रखा हुआ है 16 × 3.65। हमें पता है 3.65 पे ये फुल चार्ज होती है हर एक सेल, तो 16 × 3.65 58.4 आती है। इसको हम 6 एम्प करेंट से चार्ज करेंगे, हाँ 6 एम्प करेंट से इसको चार्ज करेंगे, और इसको 38.0 वोल्ट पे इसको डिस्चार्ज करेंगे। वहाँ तक जाएंगे 2.3 वोल्ट प्रति सेल करीब जाएगा उस वहाँ पे, और इसको 10 एम्प करंट से डिस्चार्ज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्ट करेंगे चार्ज, पहले चार्ज करेगी 58.4 वोल्ट तक, फिर उसको डिस्चार्ज करेगी, इसको एक्चुअल कैपेसिटी हमें बता देगी। और यहाँ पे चार्ज होना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे आप देख सकते करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, बढ़ के 6 एम्प तक जाएगा। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आप वोल्टेज भी देख सकते हैं, वोल्टेज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसको होने देते हैं, वो जो भी रिजल्ट आएगा मैं आपको शेयर करूंगा, फिर हमें एक्चुअल पता चल जाएगा कि इसकी एक्चुअल दिक्कत क्या है, कैपेसिटी में कहाँ पे इसकी दिक्कत आ रही है। और इसको अगर दिक्कत जैसा कस्टमर बताया है वो दिक्कत अगर इसमें भी सेम दिखा रही है, तो फिर हम बैटरी पैक को खोलेंगे, खोल के इसको रिपेयर कर देंगे। सो अभी डिस्चार्ज हुए, 34 मिनट हो चुका है, उसमें 5.6 AH इसकी कैपेसिटी आ रही है इस बैटरी के, और 10 एम्प करंट पे डिस्चार्ज हो रही है। चलिए देखते हैं इसमें और कितनी कैपेसिटी बची हुई है। इसको एक बार फुल चार्ज कर लिया था, ये लूप चल रहा है, ये अभी पहले चार्ज हो रही थी, अभी डिस्चार्ज हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे छोटा सा ये डिस्चार्ज हो रही है। अभी ये आपका देखते हैं 5.7 AH कैपेसिटी इसकी निकल के आई है, और कितनी कैपेसिटी इसकी निकल के आती है देखते हैं। यहाँ पे तेज़ी से वोल्टेज डाउन हो रहा है, यानी कि शायद अभी जा सकता है। यहाँ पे जो करंट है वो भी कम गया है, तो शायद अभी इसका अंत आ गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी जो कैपेसिटी थी वो 5.7 AH है, फिर एक्चुअल कैपेसिटी निकल के आई वो 5.7 AH है, और 34 मिनट मतलब आधे घंटे में 10 एम्पेयर के माध्यम से ये 5.7 AM की कैपेसिटी दिखा रही है, जो कि इसकी रेटेड कैपेसिटी से काफ़ी कम है, आधी है, यानी कि 12 एम्पावर की बैटरी है। और इसकी अभी कैपेसिटी अराउंड 6 एम्पावर दिखा रही है। जैसे कस्टमर ने बताया था कि चार्ज करने का जो टाइम था वो भी कम गया है। तो अभी क्या करेंगे हम इस बैटरी को खोलेंगे, इस बैटरी को खोल के हम देखेंगे इसमें क्या कैसे क्या दिक्कत है। तो इतना तो पता चल गया है कि जो कस्टमर बोला था कि रेंज और चार्ज के जो इशू आ रहा था वो बैटरी में ही है। तो अभी चलिए इसको खोल के देखते हैं। तो अब हम इस बैटरी पैक को खोलेंगे। इस बैटरी पैक को खोलने के लिए मेरे पास एक कटर है, और मैंने इस बैटरी पैक के जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है उनको इंसुलेट कर दिया है। आप जब भी बैटरी पैक खोल रहे हैं आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये टिप है मेटल टिप है वो ज़्यादा अंदर ना जाए बैटरी के, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रह सकता है। तो आप जब भी ये थोड़ा थोड़ा डालें और ध्यान से इसको खोलें, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये खुल चुका है, इसमें कोई हमें फिजिकल डैमेज दिख नहीं रहा है, और कहीं से भी कोई प्रकार की लीकेज या फिर मैं बैलेंसिंग इससे करूँगा। ये आपको जो पहले दिखाया था ये हार्डवेयर बेस्ड बैलेंसर है, इसमें 2 एम्प करंट में बैलेंस होती है। इसकी एक डिसएडवांटेज जो मैं आपको पहले बताई थी कि ये हार्डवेयर बेस्ड है, यानी कि इसमें क्या आप कैसे बैलेंस कर रहे हो आप मोबाइल पर देख नहीं पाएंगे, सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं है। सो इसके आपके लाइट से आपको पता चल, लाइट ऑन हुआ तो ये बैलेंस हो रही है, लाइट ऑफ तो बैलेंस नहीं हो रही। तो कैसे क्या बैलेंस कर रही है इसको आप देखने के लिए, फॉर द सेक ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, आपके लिए मैं इसके साथ ये बैलेंसर भी कनेक्ट करूंगा, ताकि आप देख लें। ये बैलेंसर 2 एम्प का है, जेके कंपनी का है, जेके ब्रांड का, लेकिन इससे मैं बैलेंस नहीं करूंगा, लेकिन इसको करंट जरूर करूंगा, ताकि आप देख पाएंगे कैसे ये बैलेंस कर रही है, कैसे क्या किस सेल से कितना वोल्टेज जा रहा है और कितना एक्यूरेटली ये आपका बैलेंस करती है। तो
चलिए पहले इसके जो लीड्स वायर है बाकी सारे कनेक्ट करते हैं, और इसके इसमें जो भी लीड वायर लगे वो तो डायरेक्ट आपको भी पता है, अपने अगर पिछली वीडियो देखी होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इसकी लीड वायर जो आती है BMS की, उसको उससे डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसको कनेक्ट करने के लिए इसके बाद वायर्स दिए गए हैं कुछ कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे B8 से B- तक इस तरफ लगेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे B8, यहाँ पे B8 है, B8 से B- इस तरफ लगेगा, और यानी कि B- से B, और यहाँ पे B9 से B16 तक इस तरफ लगेगा। चलिए कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट मैं ऑन कैमरा ही करूँगा। सो अभी हमने इस बैलेंसर के लीड वायर्स ले लिए, ये ब्लैक आपका नेगेटिव आ जाएगा और इसका यहाँ से पॉजिटिव, सो ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ इस तरीके से, और ये इस तरफ देखा दो, यहाँ पे ये B- है, B- में कनेक्ट हुआ, और ये P8, सो यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए मैं नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना स्टार्ट करूँगा, नेगेटिव यानी कि ये, और बैटरी का नेगेटिव कहाँ पे है, बैटरी की नेगेटिव उस तरफ है, सो ये बैटरी का नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे BMS का कनेक्शन आके यहीं पे लगा हुआ है, सो विल कनेक्ट आवर नेगेटिव सीरीज। ये नेगेटिव हो गया, अभी हम कनेक्ट करेंगे, तो ऐसे कर करके हम कनेक्ट करते जाएंगे। सो मैंने इस तरफ से 8 लगा दी, ये 8 लीड वायर थे तो 8 लगा दिए इस तरफ, और टोटल 9 था, B- को लेकर 9 और बाकी ऐसे पॉजिटिव 8, सो टोटल 9 लीड वायर इस तरफ लगा दी। अभी उस तरफ और 8 लीड वायर लगाएंगे। सो यहाँ पे सारा कनेक्ट हो चुका है लीड वायर, यहाँ पे इस तरफ का आपका 8 से 9 और इस तरफ आपका B- से 7 तक। सो इसको जैसे कनेक्ट करेंगे अगर सेल वोल्टेज होगी डिफरेंस होगी तो ये बैलेंस करना स्टार्ट कर, साथ ही साथ मैं GK बैलेंस से भी कनेक्ट कर देता हूँ ताकि मुझे मोबाइल में भी सारा डेटा मिलता रहे कि कौन कैसे बैलेंस कर रहा है। ध्यान रखिएगा कि मैं GK बैलेंसर से बैलेंस नहीं करूँगा, मैं बैलेंस ऑफ रखूँगा इसके थ्रू, आपको बस दिखाने के लिए कि कैसे ये बैलेंस कर रही है मैं ये कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हार्डवेयर बेस्ड है तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या बैलेंस कर रही है और बैलेंस कर भी रही कि नहीं, ये देखने के लिए मैं इसको मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ। और ये JK बैलेंसर अगर इंटरेस्टेड है आप लेने में, अगर आपको चाहिए आपको बिजनेस पर्पस के लिए JK बैलेंसर या फिर और कोई बैलेंसर, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कैसे क्या इसका इंटरफेस, JK बैलेंसर का क्या इंटरफेस रहता है। तो मैं इसकी जो लीड वायर है उसको खोल के इसमें लगा दूंगा। सो यहाँ पे मैं JK बैलेंसर भी कनेक्ट कर दिया, और अकॉर्डिंग टू दिस JK बैलेंसर देर इज़ अ डेल्टा सेल वोल्टेज ऑफ, यानी कि सेल वोल्टेज मतलब तो एक सेल दूसरे सेल में डिफरेंस 0.5 वोल्ट का डिफरेंस, यानी कि 500 mV का डिफरेंस है। और हमें पता है कि ये जो हमारा TDT बैलेंसर है ये 100 mV का डिफरेंस होने से ये चालू हो जाता है, ये बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दिक्कत है, मतलब कि वोल्टेज का डेल्टा सेल वोल्टेज आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली कि करीब, यहाँ पे देख सकते हैं कि करीब करीब 500 mV का डिफरेंस है। तो देखते हैं कैसे क्या बैलेंस करती है, मैं इसको भी साथ में रखूंगा। और मैंने यहाँ पे देखिए आप ऊपर देखिए JK बैलेंस से मैंने बैलेंस ऑफ कर दिया, अगर बैलेंस मैं ऑन करता हूँ तो ये बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने फिलहाल के लिए बंद कर रखा हुआ है बैलेंस ताकि मैं इससे ही बैलेंस करके आपको दिखाऊँ। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। तो मैंने जैसे इसको कनेक्ट किया ये बैलेंस होना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं इसके लाइट चल रहे हैं, तो ये बैलेंस हो रही है फिलहाल के लिए, आपको जूम कर दिखाता हूँ, ये बैलेंस हो रही है, लाइट चल रहा है। और साथ ही साथ आप स्क्रीन रिकॉर्ड में भी देख सकते हो ऊपर कैसे जो डेल्टा सेल वोल्टेज वो कमते जा रहा है इसको कनेक्ट करने के बाद, देखते रहिए। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ यहाँ से,
तो यहाँ पे देखिए सेल वोल्टेज कैसे कम, जो डेल्टा सेल वोल्टेज वो कैसे कम रहा है, 4.65 हो गया, 0.464 कम थे जा रहा है। सो देखते हैं कैसे क्या बैलेंस होता है, तो उसको हम छोड़ देंगे अभी, बैलेंस होने देंगे। बैलेंस होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या रहता है। सो यहाँ पे लाइट्स चल रही हैं, यानी कि ये बैलेंस हो रहा है। आप जैसे कि मेरे मोबाइल में यानी कि जेके बैलेंसर के थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे ये डेल्टा सेल वोल्टेज नीचे जा रहा है। ये 0.500 वोल्ट्स था डेल्टा सेल वोल्टेज, अभी धीरे धीरे कम रहा है 0.427, अभी देखते हैं 0.426 हुआ है, धीरे धीरे ये कमता जाएगा, कम के ये 4 to 5, ये कम से 0.070 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द दिस बैलेंस है, अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस है। बैलेंस भी थोड़ा गर्म हो रहा है, यानी कि करंट ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एक सीरीज के सेल से दूसरे सीरीज के सेल में करंट जा रहा है, तो इसलिए बैलेंसर भी गर्म हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.18, सॉरी 0.418 ये बढ़ रही है। तो चलिए देखते रहते हैं कैसे क्या बैलेंसिंग हो रही है, मैं जैसे बैलेंस कंप्लीट हो जाता है तब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। सो ये धीरे धीरे बैलेंस हो रही है, एक एक करके एलईडीज के जल रहे हैं, जो जो सीरीज बैलेंस हो रही है वो एलईडी चल रही है। तो यहाँ पे और तीन एलईडीज चलनी बाकी हैं। और यहाँ पे मैं आपकर आपको दिखाऊँ जो डेल्टा सेल वोल्टेज है आफ्टर अराउंड 18 15 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स अराउंड ये डेल्टा सेल वोल्टेज आ गया है 2.0.288। तो ये डेफिनेटली कम कम हो रहा है, काम कर रहा है, यानी कि जो तो डेल्टा सेल वोल्टेज वो कम हो रही है, और डेफिनेटली ये चीज़ जो है बैलेंसर जो है जो काम कर रही है, लेकिन कितना हद तक जा रही है वो भी देखेंगे। और एक बार इसको फुल चार्ज करके भी फिर से बैलेंस करेंगे, अभी ये डिस्चार्ज मोड में बैलेंस कर रहा हूँ तो उतना फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन चार्ज करके फुल चार्ज करके आप जब भी बैलेंस करें फुल चार्ज करके ही बैलेंस करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर डिस्चार्ज करके इसके बाद बैलेंस कर रहा हूँ, उसके बाद इसको चार्ज भी करूँगा फिर बैलेंस करूँगा, और जो चार्ज करते वक्त इसको लगाए रखूँगा ताकि ये बैलेंस भी उतरे, चार्ज भी उतरे, एट द सेम टाइम बैलेंस भी उतरे। तो करके मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें सिर्फ 4 LEDs सब जल रही है, यानी कि इस बैलेंसर बोर्ड के अकॉर्डिंग ये ऑलमोस्ट बैलेंस होने वाली है। सिर्फ इन चार जो सेल सीरीज़ हैं इन सीरीज़ में ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है। और हमारे जे के बी एम एस के इंटरफेस में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जो डेल्टा सेल वोल्टेज है वो करीब 113 mV तक आ गई है। सो जो कि काफ़ी अच्छी है, 500 mV, 113 mV। और इसकी जो रिजोल्यूशन है यानी कि जितना तक कर पाएगा वो है बैलेंस कर पाएगा वो है अराउंड 70 mV। तो देखते हैं ये कितना तक जाता है, अभी 113 mV दिखा रहा है, और ये टोटल अराउंड 2 आवर्स हो चुके हैं, 2 घंटे से ये बैलेंसिंग कर रहा है। चलिए देखते हैं और कितना टाइम लगता है इसको फुल बैलेंस होने में। सो करीब 3 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे बाद यहाँ पे जो भी LEDs चल रही थी सारी ऑफ हो गई हैं। अभी आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें आपका जो सेल फिर डेल्टा सेल वोल्टेज है वो पूरी तरीके से कम नहीं हुआ है। जो कंपनी TDD जो कंपनी क्लेम करती है वो 0.070 वोल्ट तक जाएगी, उसके नीचे नहीं जा पाएगी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेल्टा सेल वोल्टेज है वो 0.127 है, ऑलमोस्ट डबल जो कंपनी क्लेम करती है उससे ऑलमोस्ट डबल वो रेजोल्यूशन पे जाके रुक गई है, उसके बाद ये नीचे नहीं जा रही है, यानी कि बैलेंसर ऑफ हो गया। खैर ये तो जो भी था वो मैंने विदाउट चार्ज इसको डिस्चार्ज करके मैंने बैलेंस किया था, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा इसको पूरी तरीके से चार्ज करूँगा, चार्ज करने के बाद और बार इसको बैलेंस करके देखूँगा क्या होता है। फिलहाल अभी 0.127 तक ही गई है, इसकी जो रिजोल्यूशन है 0.127 तक ही गई है। अभी देखते हैं इसको फिर फुल चार्ज करके एक बार फिर इसको TDD बैलेंसर से बैलेंस करेंगे, यानी कि ये चार्ज होते हुए मैं ये कनेक्शन नहीं खोलूँगा, इसको चार्ज करते करते ये बैलेंस होता रहेगा, तो वो देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और उसको चार्ज करने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को चार्ज करने के लिए मेरे पास एक स्मार्ट चार्जर है, मैं दिखाता हूँ आपको। सो मेरे पास कुछ ऐसा चार्जर है, आपका ये लिफो ब्रांड का चार्जर है, इसमें आपको सामने एक डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको इसकी वोल्टेज करंट और बैटरी कैपेसिटी दिख जाती है कि कितने कैपेसिटी में चार्ज हो रही है। तो मैं आपको इसको कनेक्ट कर दिखाता हूँ, और पीछे एक फ़ैन लगा हुआ है, 58.8 वोल्ट का चार्जर है। तो हमने बैटरी को चार्जर से कनेक्ट कर दिया है, आप चार्जर भी मैं से स्विच दूंगा चार्जर का, आप चार्जर की डिस्प्ले में आप देख पा रहे हैं कि कैसे हो रही है, 50.8 वोल्ट दिखा रही है बैटरी, और वोल्टेज 50.8, अभी चार्ज होना स्टार्ट हो गई ये, चलिए चार्ज होना स्टार्ट हो गई 52.3 वोल्ट्स, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है वोल्टेज, और 52.4 बढ़ रहा है वोल्टेज, 6.2 एम करंट से चार्ज हो रहा है। सो ये चार्जर आपको कितने एम करंट से चार्ज हो रही है ये बता देती है, कितनी कैपेसिटी से चार्ज, कितनी कैपेसिटी चार्ज हुई है वो भी बता देगी, और कितना वोल्टेज एक्चुअल वोल्टेज अभी बैटरी का वो भी बता देगी। सो
कुछ इस तरीके से ये चार्ज कर लेती है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ बैटरी चार्ज को। यहाँ पे वोल्टेज शो कर रही है, यहाँ पे 6.2 एम्प करंट शो कर रही है, जिस रेट ऑफ करंट से चार्ज हो रही है बैटरी। और नीचे आप कैपेसिटी देख सकते हैं, परसेंटेज देख सकते हैं, 20% तो पहले से है, 40% अभी जाने वाली है चार्ज, देख सकते हैं 6.2। आप इसकी कैपेसिटी भी देख, अभी 0.0 AH है, आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये भी बढ़ रही है, 0.1 हो गई इसकी कैपेसिटी भी, आप भी देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी अभी 0.1 AH होगी। तो ऐसे करते करते आपको इससे भी अंदाज़, अगर आप ऐसा चार्जर लेते हैं तो आप इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी बैटरी कैसी है कैसी नहीं। सो यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रही है, अभी 6.2 एम्प करेंट से चार्ज हो रही है, 1.3 AH कैपेसिटी चार्ज हो चुकी है और इसकी वोल्टेज 53.6 अभी दिखा रही है, 1.3 AH इसकी कैपेसिटी, 53.5 वोल्टेज इसकी टोटल वोल्टेज बैटरी की अभी होती है। तो इसमें आपको एक रेटिंग अच्छे से मिल जाती है कि बैटरी की क्या स्टेटस है क्या नहीं, तो आपको इससे ही पता चल जाता है कि बैटरी की एक्चुअल कैपेसिटी क्या है। अगर आप इसको लगा के रखेंगे और जितना करंट ये ड्रॉ करेगा और मल्टीप्लाइड बाई दिस वोल्टेज, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने वाट की ये बैटरी है आपकी अभी। और अभी आपको जैसे पता चल रहा है 1.4 AH इसकी कैपेसिटी हुई। तो जिस तरीके से ये चार्जर काम करता है, स्मार्ट चार्जर है, आपको अगर चार्जर की रिक्वायरमेंट है ऐसे स्मार्ट चार्जर्स की, 6 एम्प, 10 एम्प, 8 एम्प, 20 एम्प्स में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। तो इसको होने देते हैं चार्ज, फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ अपडेट। बाय द वे ये बैलेंसर कनेक्टेड है, तो हम ये भी चीज चेक कर लेंगे जब सेल वोल्टेज की डिफरेंस आती है तो फिर से ये चालू होती है कि नहीं, तो ये भी देखने को मिलेगा। फिलहाल तो ये बंद है, कोई भी LEDs नहीं चल रही, तो ये बंद है, ये काम नहीं कर रही। चार्जर काम कर रहा है, चार्जर अपना वोल्टेज इसका बढ़ा रहा है, कैपेसिटी इसमें दे रहा है, इसमें एनर्जी दे रहा है, ठीक है। अभी तक बैलेंसर एक्टिवेट नहीं हुआ है, देखते हैं बैलेंसर कब एक्टिवेट होता है। तो अभी 1.4 AH इसकी कैपेसिटी है, अभी चार्ज हो चुकी है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। करीब 6 घंटे हो चुके हैं इस बैटरी को चार्जर से चार्ज करते हुए, जो आपको दिखा रहा था मैं 6 एम के चार्जर से चार्ज कर रहा था मैं इसको। तो करीब करीब चार्जर में इसने 9 एम्पेयर के करीब इसने करंट लिया है, यानी कि कैपेसिटी इसने 9 एम्पेयर है इसके अंदर। लेकिन क्या हो रहा था, चार्जर बार बार ऑफ हो जा रहा था, क्योंकि BMS के अकॉर्डिंग चार्ज फुल हो जा रही थी, तो BMS कट ऑफ कर दे रहा था फुल वोल्टेज पे। लेकिन तब ये बैलेंसर एक्टिवेट हो जा रही थी और बैलेंसर बैलेंस करना स्टार्ट कर दे रही थी। जैसे बैलेंसर एक्टिवेट हो के जैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करती थी एनर्जी, फिर मेरा जो चार्जर है वो एक्टिवेट हो जाता था। तो चार्जर बार बार ऑन ऑफ होते जा रहा था। तो चार्जर 6 एम्प का था, तो क्या हो रहा था कि जो इसके अंदर जो चार्ज जा रहा था वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जा रहा था कंपेयर टू द बैलेंसिंग अमाउंट, बैलेंस 2 एम्प पे हो रहा था। तो क्या हो रहा था, बार बार 6 एम्प का चार्ज से जो भी करंट था वो एकुमुलेट हो जाता था, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता था। जैसे ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता था फिर चार्जर किक इन करता था। तो अभी मैंने क्या किया है, इसको ईजी होने के लिए मैंने इसको अपने चार्जर से लगाया हुआ है, चार्जर डिस्चार्जर से। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी वोल्टेज सेट कर दिया और करंट, जिस करंट से मैं इसको चार्ज करने वाला हूँ वो अभी मैं 2 एम्प सेट किया हुआ है। तो 2 एम्प काफ़ी कम है, जो 2 एम्प करंट ये सारे सोलर सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये कंटिन्यूस होता रहेगा, जैसे जैसे ये चार्जर से मेरे बैटरी में चार्ज आती रहेगी वैसे वैसे ये जो बैलेंसर है वो ये डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। तो चलिए ये प्रोसेस करते हैं, मैं इसको स्टार्ट में देता हूँ और देख सकते हैं अभी एक LED जल रही है, यानी कि बैलेंस हो रहा है। मैं एक बार इसको ऑन कर देता हूँ। अभी चार्जर का जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो 54.14 है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चार्ज होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है, वोल्टेज बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं 54.394042 बढ़ रहा है और बैटरी चार्ज हो रही है अभी इसके माध्यम से। तो मैंने क्या किया, बेसिकली पहले 6 एम के चार्ज चार्ज कर रहा था, अभी 2 एम के चार्ज चार्ज करेगा, तो जिससे क्या होगा, इस बैलेंसर को करंट को रीडिस्ट्रीब्यूट करने में ज़्यादा मदद मिलेगी और इवनली हो पाएगा। पहले क्या हो रहा था कि 6 एम का जो करंट था वो काफ़ी ज़्यादा था इस बैलेंसर के लिए, तो 6 एम का करंट जैसे ही आता था वो एक जगह एकुमुलेट हो जाता था, फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको बहुत टाइम लगता था। तब तक क्या होता था, चार्जर ऑफ हो जाता था, क्योंकि चार्जर जो BMS है वो पावर कट कर देता था, क्योंकि BMS को लगता था कि सेल फुल चार्ज हो गए तो वो कट कर देता था। फिर जैसे ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता था, फिर जब हर एक सेल का वोल्टेज नीचे जाता था फिर से चार्जर किक इन कर रहा था। देखते हैं 2 एम के चार्जर से, अभी मैं ये 2 एम मैंने सेट किया हुआ है और 2 एम से ये चार्ज हो रहा है। अभी देख सकते हैं इसमें दूसरा LED जल चुका है, तो ये करंट रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सीरीज में। चलिए इसको देखते हैं कितना टाइम लगता है, और यहाँ पे आपको कैपेसिटी भी शो हो जाएगी कि कितना देर में कितना चार्ज हुआ। यहाँ पे और एक LED जल गया, करंट रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है पहले आगे चल के। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा बैटरी फुल्ली चार्ज और बैलेंसिंग भी कम्प्लीट है, क्योंकि कोई भी LED जल नहीं रही है हमारे बैलेंसर की।
और जैसा कि यहाँ पे जेके बैलेंस से मैंने कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे जेके बैलेंस में आप जो डेल्टा सेल वोल्टेज है वो देख पा रहे हैं कि करीब 0.84 के करीब है, जो कि जो जो टीडीटी कंपनी जो क्लेम करती है 0.070 के करीब जाएगी, तो करीब करीब उतना चली गई है, 0.085 के करीब है, तो इसको काफ़ी क्लोज ही मानेंगे हम। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस ये पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। अभी क्या करेंगे हम, इस पूरे बैटरी पैक को डिस्चार्ज करेंगे डिस्चार्जर्स की मदद से। पहले हमारी कैपेसिटी करीब 5.7 AH के पास आई थी, अभी हम इसके ऊपर डिस्चार्ज करके देखेंगे कि अभी फ़िलहाल कितनी कैपेसिटी इसकी आ रही है। तो यहाँ पे मैं जाके इसमें सेटिंग्स में जाके इसको पहले सेट करता हूँ, पहले चार्ज करेगी और एक ही लूप लेंगे, 58.4 वोल्ट फुल चार्ज करेगी 6 एम्प करंट से, और 38.0 वोल्ट डिस्चार्ज 10 एम्प करंट से। चलिए करते हैं इसको स्टार्ट, और यहाँ पे इसका वोल्टेज भी शो कर रहा है 53.94। स्टार्ट करते हैं, ये हो गया है स्टार्ट, वोल्टेज ऊपर जा रहा है और करंट भी ऊपर जा रहा है, तो ये फुल्ली चार्ज है तो ज़्यादा देर चार्ज लेगी नहीं, एक बार चार्ज जैसे ही वोल्टेज उठेगी ऊपर, उठने के बाद ये ऑटोमेटिक डिस्चार्ज मोड में चली जाएगी। यहाँ पे सर कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी लाइट जलनी स्टार्ट हो गई है, दो एलईडी लाइट जल रही है, यानी बैलेंसिंग करना भी ये स्टार्ट कर दिया, तीन जल गई हैं, यानी बैलेंसिंग भी स्टार्ट हो गया, तो हमारा बैलेंसर प्रॉपर वर्क कर रहा है। और यहाँ पे देखिए वोल्टेज और बैलेंसर भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो चलिए मैं आपको डिस्चार्ज करके इसकी एक्चुअल कैपेसिटी जो भी होगी मैं आपको शो करूँगा। और हमारा अभी ये जो मशीन है ये डिस्चार्ज मोड में चला गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 38.0 वोल्ट तक डिस्चार्ज करेगा, यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है 10 एम्प तक जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज भी आप देख रहे हैं लोड जैसे जैसे बढ़ रहा है जो हमारा वोल्टेज वो भी ड्रॉप हो रहा है, तो ये 10 एम्प पे जाके अटक जाएगा। और यहाँ पर बैलेंसिंग चालू हो चुकी थी, बैलेंसिंग ऑफ हो गई है क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है, तो एक LED जल रही, तो जैसे जैसे इसका कैपेसिटी आएगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। सो यहाँ पे करीब 54 मिनट्स हो चुका है, यहाँ पे 9 एम्प पावर कैपेसिटी निकल के आई है अभी तक, और 10 एम्प करंट से डिस्चार्ज हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे 10 एम्प करंट से डिस्चार्ज हो रहा है, 9 AH कैपेसिटी अभी तक आई है, और टाइम हो चुका है 54 मिनट, और वोल्टेज अभी आपको दिख रहा है 49.39, और वोल्टेज डिप हो रहा है। और बैटरी पहले जो वीडियो के इनिशियल में आप देख सकते हैं कि बैटरी करीब 5.7 AH के करीब जाके वो बंद हो गई थी, मतलब डिस्चार्ज देना बंद हो गई थी अपने आधे कैपेसिटी में, अभी इसका 9 AH आ रहा है, और भी ये बढ़ते जाएगा और कैपेसिटी इसकी बढ़ने वाली है। जब से हमने ये टीडीटी बैलेंसर लगाया हुआ है तो जो कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है, यहाँ पे 9.1 आ रही है, तो पहले करीब 5.7 AH थी कैपेसिटी, तो अभी आपको करीब 9.1 AH दिखा रही है, तो अभी जो डिफरेंस आ रहा है वो है तो करीब करीब 3.4 के आ रहा है, अभी 9.2 हो गया है, तो ये हो जाएगा 3.5। तो देख सकते हैं कैसे आपको 5.7 से जो AH थी उससे आपकी जो कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है, तो सब कमाल इस बैलेंसर का है, बैलेंसर से बैलेंस करके हमने चार्ज किया तो कैपेसिटी बढ़ रही है, तो हाँ ये बैलेंसर काम कर रही है, ये जो करंट को रिडिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है वो बहुत अच्छे से कर रही है। चार्ज करते हो जो भी एनर्जी ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट होता है बाकी सीरीज में हमारे BMS के माध्यम से, BMS उतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि BMS पैसिव BMS है, और इसकी जो भी आपकी जो बैलेंसिंग रहती है वो रेजिस्टेंस बेस्ड रहती है, वो भी चार्ज करते वक्त काम करते हैं, वो भी करीब 10 mA के करीब उसकी बैलेंसिंग करंट, तो ये बहुत कम है, मतलब जो भी बैलेंसिंग का होता है, तो अगर बैलेंसिंग का करंट अगर कोई भी अगर अराउंड अगर 1 AH से अगर डिफरेंस आता है अगर किसी कैपेसिटी में एक सीरीज से दूसरे सीरीज में, तो ये जो BMS है वो काफ़ी टाइम लगा देगा उसको बैलेंस करने में, क्योंकि जो बैलेंस करंट है वो काफ़ी कम होता है, 10 mA करीब होता है, लेकिन हमारा जो ये बैलेंसर है 2 एम्प का TDD का ये काफ़ी अच्छे से काम किया, और ये देखिए बढ़ता जा रहा है, अभी 9.4 AH आ रहा है, पहले इसकी कैपेसिटी आ रही थी 5.7 AH, अभी 9.4 आ गया है, यानी करीब करीब 3.7 के करीब आ रहा है, मतलब डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस बता रहा हूँ, 49 वोल्ट एंड गोइंग स्टिल गोइंग ऑन, 49 वोल्ट हो रहा है फिर भी जा रहा है, और देखते हैं, और 10 एम्प करंट पर डिस्चार्ज कर रहा हूँ, 10 एम्प करंट पर, तो लोड भी काफ़ी अच्छा खासा है। अभी देख पा रहा हूँ कि जैसे ये डिस्चार्ज होने के मतलब एकदम इसके लोअर लिमिट पर पहुँच रही है बैटरी, तो ये TDT का जो बैलेंसर है वो एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पे जो बैलेंसिंग हो रही है, यहाँ पे LED जल चुके हैं, यानी कि बैलेंस होना शुरू हो गया है, तो बैलेंसर अपना काम बढ़िया से कर रही है। तो आपको अगर अपने नॉर्मल बैटरी पैक को स्मार्ट तरीके से अगर उसको एक्टिव बैलेंसर लगाना है तो आप ये ज़रूर एक किफ़ायती तरीका है आपके लिए अपने जो एग्जिस्टिंग बैटरी पैक को एक्टिव बैलेंसिंग बैटरी पैक में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। 48.48 वोल्ट्स एंड स्टिल गोइंग, 9.8 AH कैपेसिटी आ गई है, पहले जो कैपेसिटी थी 5.7 AH थी, अभी उसका करीब करीब दुगना तक जाने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन मेरे को लगता नहीं उतना तक जाएगा, फिर भी देखते हैं फिर क्या होता है। यहाँ पे बैलेंसिंग स्टार्ट हो चुका है, LEDs जल रही है हमारी, LEDs आर ग्लोइंग, बैलेंसिंग बढ़िया से हो रहा है। 10 एम्प पावर करंट अभी भी टान रहा है, 10 एम्प करंट अभी भी ये पुल कर रही है बैटरी से मशीन। 9.8 AH कैपेसिटी इसकी आई है। सो जो इसका फंक्शन है करंट को रिडिस्ट्रीब्यूट करने का, वो बहुत अच्छे तरीके से की है। यहाँ पे जैसे जैसे समय जा रहा है वोल्टेज अभी काफ़ी रैपिडली डिक्लाइन हो रही है। 10.3 AH कैपेसिटी अभी तक निकल के आ पाई है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। 2 साल बैटरी, हमें ये नहीं भूलना है कि बैटरी 2 साल यूज़ हुई है, तो 2 साल में भी यूज़ होने में भी कैपेसिटी जो एक्चुअल कैपेसिटी है बैटरी की वो काफ़ी डिग्रेड हुई होगी। तो 10.3 AH काफ़ी बढ़िया है, हमारी जो एक्चुअल कैपेसिटी जो 12 AH आनी चाहिए थी उससे करीब करीब 1.7 AH कम ये शो कर रहा है। सो दैट इज़ प्रिटी मच एक्सेप्टेबल। अभी 10.4 हो गया, यानी कि 1.6 AH कम दिखा रहा है। सो दैट इज़ प्रिटी मच एक्सेप्टेबल कंसिडरिंग दैट द बैटरी इज़ 2 ईयर्स ओल्ड। एंड हियर वी कैन सी दैट ऑल द LEDs आर ग्लोइंग, दैट मीन्स द बैलेंसिंग इज गोइंग ऑन विद दिस बैलेंसर, TDT बैलेंसर। जो बैलेंसर है वो बढ़िया से काम कर रहा है। सो 10.4 AH एंड स्टिल गोइंग, इट्स अभी वोल्टेज रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है, 45.5 पे जा रहा है, 45.4। 10 एम्प करंट कंटिन्यूस ये पुल कर रहा है और यहाँ पे ख़त्म, हमारा बैलेंस हो चुका है। सो हमें रिजल्ट मिल चुका है 10.4, ये हो चुका है पूरी तरीके से डिस्चार्ज और बैलेंसिंग भी हो चुकी है स्टार्ट। ये पूरा करीब करीब 10.4 AH के करीब कैपेसिटी दे चुका है बैटरी, जो कि बहुत अच्छा है। तो हम इसे जो रिपेयर हमने जो किया था उसे एक सक्सेसफुल रिपेयरिंग हम मानेंगे। सो मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। इस बैलेंसर को लगाने के पहले जो हमें एक्चुअल कैपेसिटी मिल रही थी इसकी, वो थी करीब 5.7 एम्पावर एट 10 एम्प्स ऑफ लोड। और अभी बैलेंसर लगाने के बाद, इसको फुल चार्ज करने के बाद, फुल्ली बैलेंस करने के बाद, ये TDT के बैलेंसर से, 2 एम्प बैलेंसर से, अभी हमें जो कैपेसिटी मिल रही है वो 10.4 AH है। तो जो कैपेसिटी में जो इजाफा हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है कैपेसिटी में, करीब 4.7 AH की है, जो एक काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है जो एक 12 एम्पावर की बैटरी है। तो हम इसकी टोटल कैपेसिटी लॉस जो हुई है उसको मान के चलेंगे 1.6 AH के करीब, क्योंकि ये बैटरी करीब करीब 2 साल से चली है। तो 2 साल में चलने के बाद इतना बैटरी का जो कमी आई है वो, तो अभी कस्टमर के रिक्वेस्ट पे ये जो TDT का बैलेंसर रहेगा वो इनके बैटरी में इंटीग्रेट करके हम देंगे उनको, ये बैटरी में लगा रहेगा, जब भी वो चार्ज करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे तो बैटरी ऑटोमेटिक बैलेंस होता रहेगा। तो ये वीडियो इसी के ऊपर था कि कैसे आप एक आपकी जो ख़राब बैटरी है या फिर बैटरी की माइलेज अच्छी नहीं मिल रही है तो कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं TDT के बैलेंसर से। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो हमारा डाली का जो रह गया है, डाली का जो बैलेंसर है उससे मैं आपको, ये डाली का जो बैलेंसर रही है इससे मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बैटरी बनाकर दिखाऊंगा ज़रूर। और अभी क्या करेंगे, इस बैटरी, इस बैलेंसर को इस बैटरी में इंटीग्रेट करके इसको पैक करके अच्छे से कस्टमर को वापस भेज देंगे। तो इतना ही था इस वाले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। ये बैलेंस हो रहा है और इस वीडियो में दिखाए गए जितने भी चीज़ें, सपोज ये TDT बैलेंसर हो गया, सेल्स हो गए, फिर JK बैलेंसर हो गया, चार्जर हो गया, ये डिस्चार्ज मशीन हो गया, आयर मशीन, जो भी मशीन्स इस वीडियो में हैं, और लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर, आयरन और आयन दोनों, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी टूल्स चाहिए होगा या फिर कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहिए होंगे या फिर रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और कुछ रॉ मटेरियल्स जो प्रोमिनेंट रॉ मटेरियल्स है जो डेली बेसिस में बैटरी बनाने में लगता है, उनके मैं जो प्राइस लिस्ट है मैं नीचे शेयर कर दूंगा। अगर आपको होलसेल रेट चाहिए या फिर और बढ़िया रेट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में ज़रूर संपर्क कर सकते हैं और क्वांटिटी मुझे बता सकते हैं, उस हिसाब से मैं आपको रेट शेयर कर दूंगा। तो इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।